क्या आप जानते हैं कि रेडियो सीलोन 20 सालों तक हर सुबह 7:57 पर भारत के एक ही कलाकार का गाना बजाता था। ये वो जमाना था जब रेडियो सीलोन हिंदी फिल्मों के गीतों का सबसे लोकप्रिय रेडियो स्टेशन था। भारत की सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर इसी कलाकार से शादी करना चाहती थी। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार इस कलाकार से पहली बार मिलकर बोले कि उनके जीवन की हर तमन्ना पूरी हो गई। ये कलाकार था भारत में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार केएल सहगल उर्फ कुंदन लाल सहगल। तो तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। तुम कहाँ जा रही थी? केएल सहगल का जन्म जम्मू में एक तहसीलदार अमरनाथ सहगल के घर हुआ था। इनकी माता केसरबाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और केएल सहगल को लेकर कीर्तन मंडली में जाया करती थी और यहीं से सहगल के भीतर संगीत की ललक पैदा हुई। बिगड़े ठाट से काम बने क्या, मेघ बजे न मना। पढ़ाई अधूरी छोड़कर नौकरी की तलाश में सहगल कभी दिल्ली कभी लाहौर घूमते घूमते 1930 में कलकत्ता पहुंच गए, जहां फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर में 200 रुपए महीने की नौकरी पर रख लिए गए। ये वो दौर था जब भारत का हिंदी सिनेमा 3 महानगरों लाहौर मुंबई व कलकत्ता में केंद्रित था। इन तीनों नगरों में फिल्म स्टूडियो हुआ करते थे जो फिल्मों का निर्माण करते थे और इसके लिए कलाकारों को मासिक वेतन पर रखा जाता था। 1932 में न्यू थिएटर से इनकी पहली फिल्म आई मोहब्बत के आंसू। फिल्म में वो नायक भी थे और गायक भी। फिल्म तो नहीं चल पाई मगर केएल सहगल की थोड़ी सी पहचान बन गई। इसके बाद आई फिल्म चंडी दास से ये एक तरह से स्टार बन गए। मगर 1935 में आई फिल्म देवदास ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिल्म में देवदास के शराबी चरित्र का इन्होंने ऐसा सजीव अभिनय किया कि पूरे भारत में केएल सहगल पहचाने जाने लगे। शराब पियोगे? शराब जरूर पीऊंगा। अरे वारे मेरे हमदर्द। इनके अभिनय के साथ इनके गीतों के दर्द ने लोगों को दीवाना बना दिया और केएल सहगल भारत के पहले सुपरस्टार बन गए। '37 में प्रेसिडेंट फिल्म का गीत एक बंगला बने न्यारा आज भी चर्चा में रहता है। हिंदी के साथ सहगल ने बंगाली व तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया। इन्होंने बांग्ला में भी गीत गाए। खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके गले की तारीफ की थी। इनकी बांग्ला फिल्म दीदी ने बंगाल को अपना मुरीद बना दिया था। क्योंकि अब केएल सहगल भारत के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे, इसलिए मुंबई व लाहौर के स्टूडियो भी केएल सहगल को अपनी फिल्मों में लेने के लिए बोली लगाने लगे और बाजी मारी मुंबई के रंजीत मूवीटोन स्टूडियो ने। और 1941 में सहगल मुंबई पहुंच गए, जहां इन्होंने
भक्त सूरदास व तानसेन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मुंबई में इन पर धन वर्षा होने लगी और इन्होंने माटुंगा में अपना पसंदीदा बंगला बनाया। 1946 में इनकी फिल्म शाहजहां ने कामयाबी की नई इबारत रखी। इस फिल्म में गाया इनका गीत, जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे, आज भी सुना जाता है। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। 1947 में इनकी आखिरी फिल्म आई परवाना, जो जबरदस्त हिट रही, मगर दुर्भाग्य से अत्यधिक शराब पीने के कारण इस सुपरस्टार का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और 18 जनवरी 1947 को इनका असमय निधन हो गया। दुख के अब दिन इन्होंने 36 फिल्मों में काम किया, जिनमें 28 हिंदी, 7 बांग्ला व 1 तमिल फिल्म थी। आज भारत में और विश्व में जहां शॉर्ट फिल्मों का बहुत ही प्रचलन हो चला है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1933 में इन्होंने एक शॉर्ट कॉमेडी फिल्म दुलारी बीबी में भी काम किया था। इनके गीतों ने उस जमाने में धीमे लय व स्वर का ऐसा ट्रेंड स्थापित किया था कि मोहम्मद रफी, किशोर कुमार व मुकेश जैसे नामी गायकों ने अपने शुरुआती गीत बिल्कुल केएल सहगल की तरह गाए थे। निसंदेह केएल सहगल भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे, जिनके नाम से ही टिकट खिड़की पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। और जब जब बॉलीवुड के इतिहास की बात होगी, कुंदन लाल सहगल उसके पहले सुपरस्टार के रूप में जरूर याद किए जाएंगे। घर जाने का वक्त नहीं, बल्कि मेरा इस दुनिया से कूच कर जाने का वक्त आ गया है।